My name is Isha Sanaola and as you can see, हम अपनी यूनिवर्सिटी में हैं और आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है. सुबह तो बारिश हो रही थी लाहौर में और अब फुल वैसे धूप है, मगर शेड में बैठो तो बहुत ज़्यादा हवा है. तो आज हम आपको सेकेंड व्लॉग दिखाएंगे और आप लोगों ने अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स नीचे रखे हैं. बुरे भी दे सकते हैं, मगर अच्छे ज़्यादा अच्छा होगा. सो आज मिलते हैं. असली है जो भी नजर में वो असली है, नकली है ये तेरी हसल नहीं, मोनोपोली है रख ली है ये बात. हवाएं चल रही है, मौसम इतना अच्छा है, बस हम यहाँ पे खड़े होकर पूंजी नहीं जा रहे हैं ना, समझिएगा. और ये है चोर चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में. कहाँ पे मेरे दाढ़ी है ही नहीं ब्रो. चोर भी नहीं है और ब्रो ये कहावत है. टुडे मेरा नो मेकअप डे है क्योंकि आज मेरी वैन ने जल्दी आना था और मैं बस जल्दी 5 मिनट्स में तैयार होकर आ गई. और आप देख सकते हैं यहाँ पे महक जो के बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होती जा रही है. ब्रो देखें गौर से, आप ये मासूम शक्लें ना बनाओ, हम फिसल जाएंगे. ये फिसल जाती है ये बहुत जल्दी. तुम अपना बताओ ना, तुम लड़कों को मुझे मेरी तरफ देखने भी नहीं देती. देख दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल, ओके लेट मी जस्ट. लड़के जब देखते हैं ना इसे तो आई एम लाइक पोसेसिव टाइप. जब ये नहीं देखी तो वो क्यों देखते. इफ समवन वांट्स टू अप्रोच की तरह बोलो भाई रिश्ता लेके आना, ठीक है हमें पसंद आया हम ठीक है अप्रूव कर देंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे. मुँह चुक के तुम आ जाते हो. You posing like this? Mera dil keh raha hai ki main pose karu. You know, professional life mein jo banda chahta hai, karna seekhe. So वैसे तो तुम बड़ी कमेंट्री करती हो मेरे ब्लॉग में, के लिए कोई कमेंट्री नहीं है. तुम मुझे बताओ किस टॉपिक पे करनी है. आज रोस्ट करो ईशा को. आई वॉन्ट ईशा टू बी रोस्टेड. मुझे रोस्ट करो. ईशा के लिए एक ही लाइन काफी है कि अगर आप लोगों ने बचपन में लूनी ट्यून्स देखे हो तो उसमें ट्यूटी आती थी ना. I hate it when someone calls me cute. ट्यूटी. She looks like the same. और इसके लिए ना आपको मेरे ख्याल से अगर ईशा एडिट इतना वो कर सके तो साथ ईशा एक पिक्चर लगाना अपनी लाजमी ट्यूटी के साथ कंपैरिजन में. एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू कमेंट के कौन जो है ना ईशा लग रही है ट्यूटी की तरह की नहीं लग रही. मुझे तो लगता है लगती है. अथरूबा व्हाट डू यू से. I feel like she is looking like a ghost. अभी मैं आप लोगों को प्रूव करूंगी मेरी उर्दू कोई खराब नहीं है. इन्होंने मेरी उर्दू का इतना मजाक बनाया है, इतना मजाक बनाया है कि मैं कुछ भी बोल रही हूं ना, कि इतना मुझे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया. आज मैं आप लोगों को गलत प्रूव करूंगी, ठीक है. तो पहला वर्ड जो है वो एक नॉवल का नाम है, इश्फाक अहमद साहब की नॉवल है. तो मैं आप लोगों को पहले नॉवल का नाम दिखाती हूँ. यू कैन सी दैट, दिख रहा है. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद ईशा. ईशा ये पढ़ो क्या है. खटिया वाटिया. खटिया वाटिया. सो इट्स ये है खटिया वाटिया. सही तो है. इट्स नॉट वाटिया. इट्स नॉट वाटिया. पिस्ती हो गई है. एक और क्या ये मुश्किल थी. इसके बाद आप कैमरे में जरा हाथ हिलाइएगा. आपके साथ प्रैंक हो गया. सो लेट्स सी. कितना आसान है इल्जाम तराशी. ये आती है मुझे उर्दू. ये बहुत हैरत अंगेज बात थी. वाटिया नहीं हुआ वटिया का. ओके लेट्स गो फॉर अनदर. तो हम लोग जाते हैं अब शायरी की तरफ क्योंकि वर्ड्स वगैरह बहुत हो गए. थोड़ा सा इजी से मीडियम पे आना चाहिए. तो ये है शेर. अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो फिर ये है कि ईशा के पढ़ने के बाद मैं सही तरह से पढ़ गई. ईशा ही शेर पढ़ो. जाने किस गम का इस्तखारा है, तितलियां मसर रही हैं. ओके तो दिस शेर गोज लाइक, जाने किस गम का इस्तखारा है, तितलियां मर रही हैं ख्वाबों में. एंड आप लोग डिफरेंस देख लें. है लवा इकबाल का शेर. तो ईशा रिप्रेजेंटिंग है शाहीन.
कभी अब अल्लाह मालिक है। तन्हाई सब में है, आसान खामोश ख्वाबीदा जमीन जहान खामोश ये चांद ये बस नमक बस तन्हाई शब में है और ईजा क्या अंजुम नहीं तेरे हम नशीं क्या ये रफाकत आसमान खामोश ख्वाबीदा जमीन जहां में खामोश ये चांद ये वहशत ये With this, I'm ending my vlog. Aur milte hain next vlogs mein with a lot of new interesting stuff. So make sure to subscribe and hit the bell icon and peace.